आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो आपके बेबी के दांत निकलते टाइम होने वाली परेशानियों को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल सेफ़ है, फिर भी इसे बच्चे को खिलाने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है कैल्केरिया फॉस। हम वीडियो में जानेंगे कि कैल्केरिया फॉस की डोजेस क्या है, इसे कब शुरू करना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को कर दें लाइक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखें और पॉइंट्स को भी नोट कर लें। जनरली बच्चों को 6 मंथ्स के आसपास दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों को कम परेशानी होती है, पर कई बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लार लगातार उसके बहती रहती है। बच्चा अपनी उंगलियों को या फिर कोई भी चीज़ जो उसके आसपास है उसके हाथों में आ जाए तो उसको उठाकर अपने मुँह में डालकर चबाने और काटने लग जाता है। वो ठीक से खाना नहीं खाता, फीवर हो जाता है, उसे लूज़ मोशंस होने लगते हैं। ऐसे में अगर आप ये मेडिसिन बच्चे को खिलाने लगती हैं तो बच्चे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैं फिर बोलूँगी कि कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, तभी अपने बेबी को कोई भी मेडिसिन दें। कैल्केरिया फॉस कब शुरू करें? सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 6 मंथ तक आपने अपने बेबी को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो आप ये मेडिसिन भी 6 मंथ के बाद ही शुरू करें। कुछ लोग 4 मंथ के बाद ही ये मेडिसिन शुरू कर देते हैं, पर हर बच्चे की बॉडी अलग अलग होती है। आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें, अगर वो आपको 4 मंथ में लेने को बोल देते हैं तभी आप बेबी को मेडिसिन देना शुरू करें, वरना बिल्कुल भी नहीं। किन लक्षणों के दिखने पर आप बच्चे को कैल्केरिया फॉस देना शुरू कर सकती हैं? जब आप देखें कि बच्चे के मसूड़े में स्वेलिंग आ गई है, उसे पेन हो रहा है और बच्चे को उल्टियां हो रही हैं, वो दूध नहीं पी रहा है, लगातार रो रहा है, बच्चे को लूज़ मोशन होने लगी जिसका कलर थोड़ा ग्रीनिश हो और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही हो, इसके साथ ही गैस भी बहुत ज़्यादा पास हो रही है, तो ऐसे में आप ये मेडिसिन शुरू कर सकती हैं। कैल्केरिया फॉस मेडिसिन कब नहीं लेनी चाहिए? अगर बेबी बीमार है या उसे किसी भी तरह की कोई अन्य बीमारी है तो ऐसे में अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे इसकी जानकारी लें, तब अगर डॉक्टर बोलें तभी आप ये दवा शुरू करें। कैल्केरिया फॉस की डोज़ क्या है? ये छोटी छोटी मेडिसिन है, इसे आप बच्चे को दूध या बेबी फूड जो भी दिया हो उसके 10 से 15 मिनट बाद दें। और हाँ, इसे डायरेक्ट हाथ में निकालकर कभी भी ना दें, क्योंकि होम्योपैथी दवा को बार बार हाथों से टच नहीं करना चाहिए। आप इसे किसी स्पून में रखकर बेबी को दें। 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को आप 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार दें, एक बार मॉर्निंग में दे दें, फिर एक बार इवनिंग में। 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चों को 2 टैबलेट दिन में 3 बार खिलाएं। 2.5 से 5 साल तक के बच्चों को 2-2 टैबलेट 4 टाइम खिलाएं। और 10 से 14 साल के बच्चों को 4-4 टैबलेट आप 4 बार खिला सकती हैं। ये मेडिसिन दांत के साथ साथ हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक होम्योपैथी दवा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो आप इसे बेबी को आराम से दे सकती हैं। फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तब बेबी को दवा देना शुरू कर दें। वीडियो आपको पसंद आया हो और ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे इस तरह के नॉलेज वाले वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल जानकारी के साथ।